प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मेरी अगर आवाज़ आ रही है तो, आवाज़ आ रही है तो मुझे ज़रूर बताइएगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्ना फी खल्क़ समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफिल लैल वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आसमान और ज़मीन की पैदाइश और रात और दिन के आने जाने में समझ बूझ रखने वाले, अकल रखने वाले लोगों के लिए निशानियाँ हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर, खुदा के वजूद के ऊपर, मंतकी दलायल पर हम। और यहाँ पर मैं सबसे पहले एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अकल, सेंस और इंसान की जबिल्लत सब एक खालिक के गवाह हैं। इंसान अपने अंदर भी इस चीज़ को पाता है कि एक खुदा है, इस कायनात का एक खालिक है। मैं यहाँ पे ज़रा डिटेल में जाने से पहले आपको मैं बताता चलूँ, यहाँ तक इंसान की अपनी पैदाइश, आसमान और ज़मीन की पैदाइश, रात और दिन का एक मुकर्रर वक्त पर आना जाना, कायनात का एक मरबूत निज़ाम कभी भी किसी खालिक के बिना वजूद में नहीं आ सकती, वो भी ऐसा खालिक जो मखलूक ना हो। क्योंकि जो मखलूक होगा फिर उसका कोई खालिक होना लाजमी करार पाएगा, लाजमी होगा। लिहाजा खुदा के वजूद का इनकार नामुमकिन है। हत्ता के जो इल्हाद या मुल्हिदीन हैं वो भी खुदा के इनकार के ऊपर कोई वजू, कोई उनके पास दलील नहीं है, बल्कि वो जिस मंतक के ऊपर खुदा का इनकार करते हैं वो उनकी गलत मंतक है। वो मैं बताता हूँ कि जो मुल्हिदीन हैं, जो इल्हाद जो कि किसी खुदा के कायल नहीं है, वो भी उनकी दलील भी सिर्फ इतना है कि वो, उन्होंने किसी खुदा को देखा नहीं है, उन्होंने किसी खुदा को महसूस नहीं किया, उन्होंने किसी खुदा को टच या टेस्ट नहीं किया, जिसकी वजह से वो उनकी ये प्रिसेप्शन है कि कोई खुदा मौजूद नहीं है। हालांकि हम अकल रखते हैं, मंतक रखते हैं, हम जो है जानते हैं कि अगर कोई चीज़ हमें आँखों से नज़र ना आए या किसी चीज़ को की आवाज़ को हमारे कान न सुन सकें या किसी चीज़ को हमारे हाथ महसूस न कर सकें, तो ये इस बात पर हरगिज़ दलील नहीं है कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। ये मैं आम मखलूक की बात कर रहा हूँ। किसी आम मखलूक के बारे में अगर उसे देखा ना जाए, अगर उसे महसूस ना किया जाए, अगर उसे चखा भी ना जाए और उसे आपके कानों की यानी आपकी समात भी उसे ना सुन सके, तो ये इस बात की दलील अकली तौर पर भी नहीं है कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। मैं आपको बताता हूँ कैसे कि आज हम क्योंकि एक साइंटिफिक एज के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो हम जानते हैं कि एटम एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि जिस फिज़ा के अंदर मेरे सामने अब ये फिज़ा है, इसमें भी करोड़ों बल्कि अरबों की तादाद में एटम्स या मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, खरबों की तादाद में, लेकिन मेरा ना उनको हाथ महसूस कर सकता है, ना मैं ज़ुबान से उनको टेस्ट कर सकता हूँ, और ना मैं, मेरी आँखें उनको देख सकती हैं और ना ही मेरे कान उनको सुन सकते हैं या उनकी आवाज़ या उनके टकराव किसी चीज़ को महसूस नहीं कर सकते। तो आज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बदौलत हम चीज़ों को देख सकते हैं और उनको महसूस कर सकते हैं मुख्तलिफ ज़राए से। लेकिन ज़रा पीछे चले जाइए, अगर हम एक सेंचुरी पीछे चले जाएं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ईजाद से पहले, तो इन चीज़ों के बारे में यही ख्याल था कि कोई और ये चीज़ें पाई नहीं जाती हैं, एटम पाया नहीं जाता, मॉलिक्यूल पाए नहीं जाते। या अगर किसी को मैं इस अंदाज से, इस ढंग से समझाना चाहता हूँ कि अगर मैं किसी को 100 साल पहले या जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना उससे पहले अगर मैं किसी को ये कहता कि एटम एग्जिस्ट करता है, तो वो इस बात का इनकार कर देता कि एटम एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि एटम को उसका वजूद तस्लीम नहीं करता था, उसकी आंखें नहीं देख सकती थी, उसका ज़ुबान, उसकी ज़ुबान और उसके हाथ उसको महसूस नहीं कर सकते थे, और कान उसकी, उसकी समाज से उनकी आवाज़ नहीं टकराती थी।
तो लेकिन इससे हकीकत तब्दील नहीं हो जाती कि एटम जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते। आज हम जानते हैं कि एटम एग्जिस्ट करते हैं और बिल्कुल बेआईन ही यही दावा मुल्हिदीन का है कि खुदा मौजूद नहीं है इस कायनात का। उसकी वजह सिर्फ यही है कि आज तक हम इस खुदा को देख नहीं सके जिसके बारे में आप जो है क्लेम करते हैं कि कोई खुदा है, वो कहते हैं कि हमने उस खुदा को देखा नहीं है, उसको हमने उसकी आवाज़ नहीं सुनी कभी, उस खुदा की उस खुदा को हमने टच किया नहीं है, महसूस नहीं कर सके हम उस खुदा को। बस इतनी सी दलील है उनकी और वो भी इनकार खुदा पर दलील नहीं है बल्कि अदम इल्म के ऊपर दलील है कि हम नहीं जानते कि कोई ऐसा खुदा एग्जिस्ट करता है जिसको हम देख नहीं सकते। जैसा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ईजाद से पहले लोग ये कह सकते थे कि एटम जो है वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, हम इसका इदराक नहीं कर सकते, हम ये नहीं जानते। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी दलील मौजूद नहीं है या हमने कभी एटम को देखा नहीं है अपनी आँखों से। ये बात हो गई कि ये मुल्हिदीन का नज़रिया क्या है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम कुरान मजीद से सूरह तूर की आयत नंबर 33 से 36 तक तिलावत करते हैं और उसके बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम उसमें अल्लाह ताला ने इल्हाद का रद्द किया है। सूरह तूर है, आयत नंबर 33 तक 36 है। औऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فلياتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون। क्या कुफार कहते हैं कि इन पैगंबर ने कुरान अज़ खुद बना लिया है या कुरान घर लिया है? बात यह है कि ये खुदा पर ईमान नहीं रखते। पहले चीज़ इल्हाद की आ गई कि ये लोग खुदा पर ईमान नहीं रखते। मुशरिकीन मक्का जो थे वो खुदा को मानते थे, ये अल्लाह ताला कुरान में इल्हाद का रद्द कर रहे हैं। फरमाया फल या तो वे हदीस मिसले ही इन कानू सादिकीन, अगर सच्चे हो तो ऐसा कलाम बना कर दिखाओ, ऐसा कलाम तो ला कर दिखाओ। अगली बात अल्लाह फरमाते हैं अम खुलकु मिन गैर शैइन अम हुमुल खालिकून, क्या ये किसी के पैदा किए बगैर ही पैदा हो गए, यानी इनको किसी ने पैदा नहीं किया? यही बात जो मुल्हिदीन कहते हैं कि बगैर पैदाइश के ये कायनात पैदा हुई है। और अगली बात अल्लाह फरमाते हैं अम खलकुस समावाति वल अर्द बल ला यूकिनून, या ये खुद अपने तई पैदा करने वाले हैं, यानी या इन्होंने अपने आप को खुद पैदा किया है, या अल्लाह फरमाते हैं या उन्होंने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है। ये सवालात हैं क्वेश्चन मार्क के साथ अल्लाह ताला कुरान में पूछ रहे हैं। कौन कौन से? पहला सवाल ये है कि कुरान के बारे में ये लोग कहते हैं कि कुरान इस नबी ने खुद घड़ लिया है, तो इनसे कहें कि अगर आप सच्चे हैं तो ऐसा कलाम लाकर दिखाएं। दूसरे, अल्लाह ताला ने यहाँ पर आगे ये फरमाया है कि ये अम खुलकु मिन गैर शैइन, क्या ये बगैर किसी पैदा करने वाले के पैदा हो गए? दूसरा फरमाया या ये खुद अपने तई पैदा करने वाले हैं, यानी ये या इन्होंने अपने आप को खुद पैदा किया या आसमानों और ज़मीन को इन्होंने पैदा किया है। अब हमने चार चीज़ों में डिवीजन की है इस आयत की, चार चीज़ें मंत की चार दलायल हैं मेन जिन पर हम डिस्कस करेंगे। अदम से वजूद, क्रिएटेड बाई नथिंग, ये कायनात बगैर किसी बनाने वाले के खुद तख्लीक हुई है, यानी बगैर कोई बनाने वाले के तख्लीक हुई है। दूसरी चीज़ इन्होंने जो है, जैसा कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अम हुमुल खालिकून, या इन्होंने खुद को अपने आप को खुद पैदा किया है, खुद अपने आप को तख्लीक किया है, यानी सेल्फ क्रिएटेड यूनिवर्स। तीसरी चीज़ है किसी दूसरी मखलूक की तख्लीक, किसी दूसरी मखलूक यानी कि वो खालिक ना हो, तख्लीक की गई चीज़ की ये कायनात तख्लीक है। चौथी चीज़ एक खालिक की तख्लीक।
इन चारों चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह वन बाय वन। पहली चीज़ है कि क्रिएटेड फ्रॉम नथिंग, ये कायनात अदम से वजूद में आई है, यानी कुछ नहीं था और ये कायनात वजूद में आ गई है। अब इस पर हम दलाइल अर्ज करते हैं कि इससे बेहतर तौर पर समझने के लिए तसव्वुर कीजिए कि अगर हर चीज़, तमाम मादा तवानाई और मुजम्मरात गायब हो जाएं तो ये कैफियत अदम कहलाएगी। अदम की तारीफ ये है कि कुछ भी ना हो, ना कोई बिल्डिंग हो, ना कोई ज़मीन हो, ना कोई पहाड़ हो, ना कोई दरख्त हो, यानी कायनात में बिल्कुल ज़ीरो हो जाए। इवन के स्पेस भी एक चीज़ है, स्पेस जो है वो भी कुछ है, हवा है, इसके अंदर गैसेज हैं, कुछ है, लेकिन अदम से मुराद बिल्कुल कुछ भी ना हो, इसे इस कैफियत को अदम कहते हैं। अदम किसी हालत इल्ली की गैर मौजूदगी को भी कहते हैं। हालत इल्ली किसी भी किस्म की इल्लत यानी सबब को कहते हैं। जैसे कहते हैं एनर्जी से कायनात बनी है, तो भाई एनर्जी कहाँ से आई है? एनर्जी तो कोई चीज़ है, एनर्जी तो एक 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 शय है, अदम नहीं है। ये कायनात के बारे में कहते हैं ना, ये कायनात खुद ब खुद वजूद में आई है, जैसा कि कहते हैं। इस पर हम जो है दलाइल अर्ज़ करते हैं, ये इल्लत मादी भी हो सकती है और गैर मादी भी। ये दावा करना कि चीज़ें अदम से वजूद पजीर हो सकती हैं, ये मानी रखता है कि चीज़ किसी तवानाई यानी एनर्जी या किसी मादे और किसी भी पहले से मौजूद चीज़ के बगैर वजूद में आ सकती हैं। यानी कायनात में कुछ भी नहीं था और चीज़ें वजूद में आईं। यानी कि कायनात के अंदर ये मेरे पास लैपटॉप है, कुछ भी ना हो और लैपटॉप वजूद में आ जाए, इसको ये कहते हैं कि ये अदम से वजूद में आई है। ऐसा दावा अक्ल सलीम व विजदानी मुशाहदात के बरखिलाफ है, क्योंकि हम देखते हैं कि कभी भी हमारी ज़िंदगी के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि कोई चीज़ कुछ भी ना हो और कोई चीज़ पैदा हो गई हो। कुर्सी चेयर बनती है, ये सोफ़ा सेट मेरे पीछे पड़ा हुआ है, कभी आपने देखा है कि कुछ भी ना हो और अचानक से कोई सोफ़ा सेट बन गया हो, या कुछ भी ना हो और लैपटॉप बन गया हो? तो ये हमारी अक्ल सलीम इस बात को तस्लीम नहीं करती कि कोई चीज़ अदम से यानी कुछ भी ना हो और कोई चीज़ वजूद में आ जाए। और इसकी मैं आपको मैथमेटिकली भी प्रूफ देता हूँ, लेकिन पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई चीज़ अदम से वजूद में आ सकती, यानी कोई चीज़ बगैर किसी के पैदा करने के पैदा हो सकती, तो वो बगैर किसी वजह के यानी बगैर एनर्जी, बगैर किसी अवामिल के असरअंदाज होने के वो ख़त्म भी हो जाती। यानी ये सोफ़ा सेट पड़ा है और अचानक गायब हो जाए, क्योंकि जो चीज़ बगैर किसी पैदा करने वाले, बगैर किसी चीज़ के यानी कि अदम था, कुछ भी नहीं था, और वो वजूद में जब आ सकती है तो अकल इस बात की गवाही देता है कि फिर अचानक उसको गायब भी हो जाना चाहिए। कभी कभी कोई चीज़ ऐसा भी होना चाहिए कि कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग हो और वो अचानक से गायब हो जाए, बिल्कुल उसका कोई सुराग ना मिला, उस पर कोई मौसमी तब्दीली या कोई जो है आउट से कोई सोर्स जो है वो उस पर अफेक्ट भी ना करे। तो यहाँ पे मैं मैथमेटिकली आपको बताता हूँ, कायनात अदम से मर्ज़ वजूद में क्या आ सकती है? इसका जवाब नफी है, क्योंकि अदम से अदम ही वजूद पजीर हो सकती है। अदमियत कोई भी चीज़ नहीं है, जिसको हम मैथमेटिकली ज़ीरो कहते हैं। नथिंग कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम नथिंग, जहाँ पर नथिंग हो, कुछ भी ना हो, उससे कोई चीज़ भी पैदा नहीं हो सकती। या हम ये कह सकते हैं कि एनी थिंग कैन नॉट बी प्रोड्यूस फ्रॉम नथिंग, कोई चीज़ नथिंग से यानी कि सिफर से कोई चीज़ नहीं पैदा हो सकती। इसीलिए हम इसको मैथमेटिकली कहते हैं कि ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो डिवाइड बाई मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो ये माइनस ज़ीरो, यानी ज़ीरो को जब नथिंग है उसके साथ जितने आप अवामिल करें, कोई और चीज़ तो दूसरी है नहीं जिसके साथ वो अमल करे, जब ज़ीरो है तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो कभी एक के बराबर, दो के बराबर, तीन के बराबर नहीं हो सकता। ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो इज़ ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। जहाँ पर ज़ीरो होगा तो ज़ीरो से कोई चीज़ वजूद में नहीं आ सकती, ज़ीरो से कोई चीज़ जो है तख्लीक नहीं की जा सकती। किसी चीज़ को अदम से वजूद पजीर होने के लिए किसी न किसी किस्म की मुजमर तवानाई या हालत इल्ली की ज़रूरत होती है, जैसा कि साइंस कहती है।
एनर्जी से ये चीज़ें जो है बनी हैं, वजूद पजीर हुई है। एनर्जी सबसे पहले चीज़ है साइंस की, ये चीज़ें हैं। क्योंकि अदमियत हर शय की गैर मौजूदगी का नाम है। अदमियत उस हालत को कहते हैं कि कोई भी चीज़ ना हो, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। तो इस दावे पर इसरार करना कि अदम से कोई शय पैदा हो सकती है, मंतकी तौर पर इस बात के मुतरादिफ है कि अशिया, जो मैं पहले बात कर चुका हूँ, अशिया बगैर किसी वजह के गायब, ज़वाल पज़ीर और फना हो सकती हैं। आज जब अशिया ज़ायल हो जाती हैं तो वो किसी वजह से, आज अगर एक लाश भी पड़ी हो ना, एक किसी मुर्दा जानवर की लाश पड़ी हो, तो वो जब ख़त्म हो जाती है तो ये नहीं है कि वो ख़त्म हो गई अदम से, वो उस पर चीज़ें असरअंदाज हुई हैं, जर्म्स आए हैं उसके ऊपर जो है, असरअंदाज हुई है, नेचर असरअंदाज हुई है उस पर, गर्मी और सर्दी असरअंदाज होती है, तो तब वो चीज़ गायब हो जाती है। लेकिन जिस जो लोग ये दावा करते हैं कि अदम से कोई चीज़ वजूद में आई है, यानी समथिंग इज़ क्रिएटेड फ्राम नथिंग देन समथिंग शुड बी हिडन विदाउट एक्शन ऑफ एनीथिंग, यानी कोई चीज़ एक्ट ना करे किसी चीज़ के ऊपर और उसके किसी वजह के बगैर, विदाउट अ रीज़न, किसी रीज़न के बगैर कोई चीज़ गायब भी हो जाए, तब हम, अगर कोई चीज़ कभी आपने अगर ऐसा देखा हो, दुनिया में महसूस किया हो कि एक बिल्डिंग ठहरी हुई है और इस पर कोई असरअंदाज नहीं हुई कोई चीज़, और ख़ुद ब खुद वो बिल्डिंग गायब हो गई है, तो तब हम इस बात को भी मानेंगे कि ये बिल्डिंग जब कुछ नहीं था तो ये बिल्डिंग वजूद में आई है। यानी इस कायनात की मैं मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं पहले बता चुका हूँ, ज़ीरो प्लस ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो माइनस ज़ीरो, ज़ीरो कभी वन नहीं हो सकता। इसको ज़ीरो से मल्टीप्लाइड करो, जमा करो, नफ़ी करो, यानी कि जब कुछ नहीं है तो उसके साथ जितना अवामिल कुछ नहीं है तो ज़ीरो है, और ज़ीरो से जितनी चीज़ें ज़र्ब करें, मल्टीप्लाइड करें, ऐड करें, तो कोई चीज़ हासिल नहीं होगी। लिहाजा नथिंग से कायनात का वजूद नामुमकिन है, अकली तौर पर, मंतकी तौर पर ये चीज़ बिल्कुल जो है गैर मंतकी और गैर अकली है। दूसरी चीज़ यह है कि अज़ खुद या खुद ब खुद तखलीक, क्या ये कायनात अज़ खुद वजूद में आई है या ये खुद इसको कायनात ने खुद अपने आप को तखलीक किया है। तो आइए इस पर देखते हैं, क्या ये कायनात खुद ब खुद पैदा हो सकती थी या खुद को तखलीक कर सकती है। लफ्ज़ तखलीक इस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है जो पैदा की गई हो, मतलब वो पहले वजूद नहीं रखती थी। बात को समझिएगा ज़रा गौर से, तखलीक कायनात। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पर मेरे जहन में आ रही है, साइंस आजकल की जो मॉडर्न साइंस है वो कहती है कि कायनात की एज इतनी है 13.8 बिलियन ईयर्स, यानी देयर वॉज नो यूनिवर्स बिफोर 13.8 बिलियन ईयर्स, यानी 13.8 बिलियन ईयर्स से पहले कायनात एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो ये हो गई नथिंग, ज़ीरो। तो अब कायनात कैसे वजूद में आई, ये मैं पहले इस पर बात कर चुका हूँ कि नथिंग से कोई चीज़ पैदा नहीं हो सकती। और दूसरी बात, यहाँ पर एक और दलील भी है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जनाब कायनात जो है वो शुरू से है, इसका कोई मतलब वो नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। तो ये बात भी गैर मंतकी है और गैर अकली है, क्योंकि साइंस भी इस बात को सपोर्ट नहीं करती। और मंतकी तौर पर ये इसलिए गलत है क्योंकि साइंस कहती है कि कायनात की एक फिक्स्ड एज है जिसके बाद ये कायनात ख़त्म हो जाएगी। जो चीज़ ख़त्म हो जाए तो उसका एक आगाज़ होना लाजमी बात है, और आगाज़ नथिंग से नहीं हो सकती। अब दूसरी चीज़ पर हम आ रहे हैं कि कायनात तखलीक खुद ब खुद हुई है, अज खुद तखलीक हुई है इसकी, या इसने खुद अपने आप को तखलीक किया है। इस हवाले से पहली बात ये जानने के लिए लाजमी है कि जब कायनात तखलीक हुई है, यानी पैदा हुई है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, साइंस कहती है कि एज ऑफ दिस यूनिवर्स इज 13.8 बिलियन ईयर्स, यानी 13.8 बिलियन ईयर्स इस कायनात की एज है। तो इसका मतलब है कि एक वक्त था जब वो एग्जिस्ट नहीं करती थी, वजूद नहीं रखती थी, दूसरे अल्फाज में वो वजूद नहीं रखती थी। तो ये तमाम अल्फाज ज़ाहिर करते हैं कि कोई चीज़ जो महदूद हो, क्योंकि तमाम तख्लीक शुदा चीज़ें महदूद होती हैं, कायनात महदूद है, ये लामहदूद नहीं है।
क्योंकि कोई भी चीज़ जो है जो तखले हत्ता के रेत के जो ज़र्रात हैं उनकी भी कोई ना कोई महदूद पैमाने पर कोई ना कोई उसका एंड है, लेकिन इसको हम ला महदूद क्यों शुमार करते हैं? क्योंकि हम इसको काउंट नहीं कर सकते, यानी ये हमारी नॉलेज की कमी है, ये कभी हो ही नहीं सकता। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। कहते हैं यार ये ला महदूद है कोई चीज़, ठीक है ना, ये देखिए मेरे हाथ में ये अंगूठी है, इस तरह की 100 अंगूठियाँ मैं रख दूँ तो मैं क्या कहूँगा ये महदूद है, 1000 अंगूठियाँ रख दूँ तो महदूद है, 20,000 लाख करोड़ अरब अंगूठियाँ रख दूँ तो महदूद है। लेकिन जब मैं अनगिनत अंगूठियाँ रखूँ, यानी कि जिनको मतलब एक पूरा एक एरिया में अंगूठियों से भर दूँ, तो उसके बाद साइंस क्या कहती है उसको, ला महदूद। ये मतलब जैसे पत्ते हैं, दरख्तों के पत्ते हैं, हम क्या कहते हैं दरख्तों के पत्ते ला महदूद हैं, हालांकि ये ला महदूद नहीं है। हम उनको ला महदूद कहते हैं, इंसानी अकल के मुताबिक वो ला महदूद हैं। क्यों? क्योंकि इंसान उनको गिनने पर कादर नहीं है, लेकिन हकीकत में इनकी कोई ना कोई वैल्यू है, कोई ना कोई इनका कोई शुमार है इनका। जैसे हम कहते हैं आसमान के सितारे कितना हैं, ला महदूद सितारे हैं, लेकिन ये ला महदूद नहीं है। बहरहाल अल्लाह की गिनती में या अल्लाह के कायनात के अंदर ये महदूद है, क्योंकि महदूद मतलब अल्लाह ताला के हाँ ये काउंटेबल है, अल्लाह इनको काउंट करने पर कादिर है, हम इनको काउंट करने पर कादिर नहीं है। तो ये कायनात भी महदूद है, इसके अंदर कोई कहे कि भाई करोड़ा गलेक्सीज़ हैं, करोड़ा गलेक्सीज़ हैं, तो करोड़ा क्या, अरबा गलेक्सीज़, खरबा गलेक्सीज़ भी क्यों ना हो, काउंटेबल तो बहरहाल हैं ही हैं। ये तो मुमकिन ही नहीं है कि कोई चीज़ वजूद रखती हो और उसको कहे कोई के वो ला महदूद है। नेक्स्ट हम इस पर जाते हैं कि हमें क्या मालूम हुआ कि कोई चीज़ जो वजूद रखती है वो पहले वजूद नहीं रखती थी। जाहिर सी बात है कि 13.8 बिलियन ईयर से पहले कोई वजूद नहीं था। तो इस पर अगर हम गौर करें, इस तख्लीक के तसव्वुर पर, तो ये नतीजा निकलता है कि खुद ब खुद तख्लीक होना अमली और मंतकी तौर पर नामुमकिन है, क्योंकि इससे ये पता लगता है कि कोई चीज़ एक ही वक्त में वजूद रखती थी और नहीं भी रखती थी, जो कि नामुमकिन है। यानी कि मैं पहले एग्जांपल दे चुका हूँ अंगूठी की, कि ये अंगूठी नहीं थी और थी, ये तो नामुमकिन है कि मतलब एक चीज़ है बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं है, और फिर वो वजूद रखती है, यानी कि उसके पास ना कोई ताकत है, ना कोई कुव्वत है, जिससे ना कोई एनर्जी इफेक्ट हुई है, ना कोई अमल हुआ है, बल्कि वो वजूद नहीं रखती थी और रखती है। तो ये इंसान अकल आने इस चीज़ को तस्लीम नहीं करता। जो चीज़ भी तख्लीक हुई इसका मतलब है कि वो पहले वजूद नहीं रखती थी, जबकि खुद पैदा होने का यही मतलब है कि वो पैदा होने से पहले वजूद रखती थी। यानी खुद पैदा होना, कोई कह के ये कायनात खुद ब खुद पैदा हुई है, तो इसका मतलब पहले वजूद रखती थी जो खुद हुए है। अगर नहीं रखती तो पहले नहीं थी ना, पहले ज़ीरो थी। अगर पहले ज़ीरो थी, अदम था पहले, तो फिर तो जो है हम ये कह सकते हैं कि अदम, पहले हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि अदम से वजूद नहीं हो सकती। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेकेंड लास्ट है कि किसी दूसरी मखलूक ने तख्लीक की है। तो आर्गुमेंट के तौर पर अगर हम इस सवाल का जवाब हाँ में भी दे देते हैं कि किसी दूसरी मखलूक ने पैदा किया, तो तब हम क्या कहेंगे कि दूसरी मखलूक जिसने ये कायनात पैदा की उसको किसने पैदा किया है। ये सवाल अपनी जगह पे फिर रहता है कि इस कायनात को किसी मखलूक ने पैदा किया है जो कि खुद खालिक नहीं है बल्कि मखलूक है, तो ये एक जो है इनफिनाइट सिलसिला शुरू हो जाएगा कि उसका खालिक कौन है जिसने ये कायनात पैदा की है, फिर जिसने ये कायनात पैदा की है उसके खालिक का खालिक कौन है, उसके खालिक का खालिक कौन है, और ये एक इनफिनाइट सिस्टम है। या इसको मैं एक एग्जांपल से आपको बता देता हूँ कि जो बंदा ये कहता है कि फ़र्ज़ किया, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक बंदा जाता है छुट्टी की परमिशन लेने के लिए अपने ऑफिसर से, ऑफिसर कहता है ज़रा रुको मैं अपने ऊपर वाले से परमिशन ले लेता हूँ छुट्टी की, वो कहे उसे ऊपर वाले, और ऊपर कोई एंड हो ही ना तो फिर उसको कभी छुट्टी नहीं मिलेगी। यानी अगर ऐसा हो कि कोई उसके ऊपर खालिक हो, उसके ऊपर खालिक हो, खालिक हो, जिस तरह से ये एक इनफिनाइट सिलसिला होगा, तो कभी कायनात वजूद में नहीं आती। अगर कायनात में वजूद में आई है, तो
तो इसका मतलब है कि एक इसका खालिक है और वो मखलूक नहीं है, वो खुद खालिक है, वो एंड है, वो सबसे बड़ा है, वो ऊपर ऊपर वाली अथॉरिटी है जिसके ऊपर कोई और अथॉरिटी नहीं है। उसने तख्लीक किया जो खुद मखलूक नहीं है। ये लास्ट हमारा था टॉपिक कि ये कायनात जो है खुद ब खुद नहीं बनी, बल्कि इसको एक खालिक है और वो मखलूक नहीं है, खुद खालिक है। इस हवाले से एक 11वीं सदी के एक फ़लसफ़ी थे अल गज़ाली, उसने इस सबब में लिखा था कि बेसबब सबब या एक गैर मखलूक खालिक का कुछ इस तरह खुलासा किया कि इस तरह कहा जा सकता है कि सबब का सबब अब या तो ये सिलसिला हमेशा के लिए चलता रहेगा जो कि बेतुकी सी बात है, या इसको कहीं रुकना होगा। यानी ये कहना कि इस कायनात का कोई खालिक है, उस खालिक का कोई और खालिक है, और खालिक है, ये एक इनफिनाइट जंजीर होगी जिसका एंड ज़ाहिर तौर पर, मंतकी तौर पर, अकली तौर पर यहीं पे होगा कि इस कायनात का कोई खालिक है, कोई खुदा है जो कि मखलूक नहीं है, जो कि खुद खालिक है और वो हमेशा से है। और इसी हवाले से एक फ़लसफ़ी थे इब्राहिम वर्गीश, उन्होंने जो है इस नतीजे को सादा लेकिन ताकतवर अंदाज में समझाते हुए लिखते हैं, अब वाज़े तौर पर मवाहिद और मुलहिद एक चीज़ पर इत्तफाक कर सकते हैं, अगर कोई चीज़ वाकई वजूद रखती है तो कोई चीज़ तो ज़रूर है जो उससे पहले मौजूद थी और हमेशा से थी। अब यह दायमी मौजूद हकीकत किस तरह वजूद में आई? जवाब ये है कि वजूद में आई नहीं, हमेशा से है। अपना इंतखाब करें, खुदा या कायनात, कुछ तो हमेशा से मौजूद है। तो ये कायनात नहीं बल्कि खुदा हमेशा से मौजूद है, खुदा जो इसका पैदा करने वाला, जो कि मखलूक नहीं है, जो कि खालिक है, और वो पैदा नहीं हुआ बल्कि वो हमेशा से था। क्योंकि अगर वो पैदा हो तो इसका मतलब है उसका कोई खालिक होना लाजमी है, और अगर उसका कोई खालिक हो तो वो इलाह नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस्लाम पर कारबंद रखे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी मार्फत हासिल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमसे दीन इस्लाम का काम ले, अल्लाह हमारे सीने को इस्लाम के लिए खोल दे। वशरल उमूर मुहदसातुहा वकुल्लु मुहदसतिन बिदा वकुल्लु बिदअतिन ज़लाला वकुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।